रक्षाबंधन को लेकर मार्केट में दिखी भारी भीड़। मिठाई दुकान पर आम लोगों ने जमकर उड़ाया सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। इस पर्व को लेकर आम लोगों में इस बार उत्साह कम देखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सब सचेत हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए लोग एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पा रहे, यही कारण है कि आम लोगों में मायूसी देखी जा रही है। दुकानदारों की अगर बात करें तो दुकानदार बताते हैं कि इस बार उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉकडाउन प्रभावित किया है। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्द के मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझता, बल्कि ये एक पवित्र रिश्ते को जताता है। यह त्योहार खुशी प्रदान करने वाला होता है, वहीं ये भाइयों को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपने बहनों की हमेशा रक्षा करनी है। आप सभी व्यूअर्स को एक्सप्रेस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दो लोडेड देसी कट्टे के साथ तीन युवक गिरफ्तार, पोड़ैयाहाट में रविवार देर रात्रि। पोड़ैयाहाट पुलिस ने रंगे हाथ दो जिंदा कारतूस, दो देसी कट्टे के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया। ये घटना रात्रि 11 बजे की बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सादे रंग के सुमो विक्टा वाहन का पीछा कर रहे युवक देसी कट्टे लेकर जा रहे थे। इसकी सूचना पोड़ैयाहाट पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंचमुखी बजरंगबली बंगाली चौक के समीप तीनों आरोपियों को धर दबोचा। शाम करीब 7:30 बजे हमको सूचना मिला था कि तीन लड़के जो है बाइक में जा रहे हैं और कोई घटना का जो है अंजाम देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसी बीच में हम लोगों ने पूरा जिला का जो है चेकिंग करवाया। चेकिंग करने के बाद जो है हल्दिया और पोड़ैयाहाट के बीच में जो हमारा चेक पोस्ट है, बॉर्डर चेक पोस्ट है, वहाँ पर एक पल्सर गाड़ी में तीन जो व्यक्तियों को हम लोगों ने जब उनका चेकिंग किया तो उनसे जो है हम लोगों को दो देसी कट्टा, दो राउंड जिंदा गोली, एक पल्सर जो है बरामद हुआ है। इसमें हम लोग को इन्वेस्टिगेट करने में ये पता चला है कि ये तीनों जो है पहले भी जेल जा चुके हैं भागलपुर से। ये बेसिकली जो है गुड्डा से भागलपुर तक जो है शराब बेचने का और यहाँ से वहाँ शराब पार करने के लिए जो है ये धंधा में सम्मिलित है। इसके अलावा ये दो इसमें जो अभियुक्त है वो पाकुड़ से बिलोंग करते हैं और एक अभियुक्त जो है वो भागलपुर से बिलोंग करते हैं। रक्षाबंधन के बीच कोरोना वायरस ने भी दिखाई नरमी। आज गोड्डा जिले में कुल 4 मामले आए हैं, जबकि 4 को छुट्टी मिली है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कोरोना वायरस ने आज थोड़ी सी नरमी दिखाई है, लेकिन बता दें कि जिस प्रकार कल और आज मार्केट में भीड़ हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी है और लोग एक दूसरे के घर आए गए हैं, यह आने वाले दिनों में कोरोना वायरस को आमंत्रण देने की बात है। पोड़ैयाहाट में सोमवार को श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन को लेकर गुड़मेश्वर धाम स्थित शिव मंदिर दुर्गा प्रांगण में प्रखंड की महिला श्रद्धालु एवं पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर श्रावणी पूर्णिमा को अंतिम विदाई दी। गोड्डा जिला के पथरगामा प्रखंड के घाट कुरवा गांव में रक्षाबंधन का सावन पूर्णिमा के दिन बिरसा हरित योजना के अंतर्गत आम के पौधे का रोपण की शुरुआत की गई। झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं परिसंपत्ति के निर्माण के लिए यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। बिरसा हरित योजना के तहत गोड्डा जिले में 1100 एकड़ अधिक जमीन से में मालदा, आम्रपाली, मल्लिका जैसे आम के पौधे लगाकर ग्रामीणों को लाभ पहुंचाना है।